stark. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. Okay, the man followed him quickly. Soapy जो है शांत था, ठीक है? क्या कोई भी पुलिस वाला उसे छूने नहीं जा रहा था? उसने द्वीप के बारे में सोचना स्टार्ट किया. जैसा कि वह द्वीप इतनी दूर था जितना कि एक तारा. उसने अपना पतला कोट शरीर के चारों ओर कसा. हवा बहुत ठंडी थी. तब उसने एक व्यक्ति को एक दुकान से अखबार खरीदते देखा. उस व्यक्ति का छाता दरवाजे के सहारे रखा हुआ था. ओके, सोपी दुकान के अंदर आ गया, छाता लिया और धीरे धीरे दूर चला गया. उस आदमी ने जल्दी से सोपी का पीछा किया. माई अम्ब्रेला, वो कहने लगा. माई अम्ब्रेला, ही सैड. ओ इज इट सैड सोपी. वाई डोंट यू कॉल ए कॉप? टुक इट योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. ओके, यानी द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम बट he had a feeling that he was going to fail again. The cop looked at the two men. Okay, yani mera chhata. Us aadmi ne kaha tha ki mera chhata kahan? Mera chhata, ye mera chhata hai. Oh, kya ye hai? Kya ye tumhara hai? Sophie ne kaha. Tum kisi police wale ko kyon nahi bulate ho? Maine ise churaya hai. Tumhara chhata hai to tum kisi police wale ko kyon nahi bulate ho? Woh hai wahan kone par, police wala khada hai. Bulao use aur mujhe pakadwao. यानी वह आदमी धीरे धीरे चला. सोपी ने वैसा ही किया, लेकिन उसे लगा कि वह इस बार भी असफल हो जाएगा. यानी और पुलिस वाले ने उन दोनों की तरफ देखा. यानी बार बार सोपी जेल में जाने के लिए बार बार गलतियां कर रहा है, लेकिन बार बार असफल हो रहा है. ठीक है, आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. If that's your umbrella, I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. Okay, it's mine, cried Soapy with anger in his voice. The umbrella man hurried away. The cop helped a lady across the street. Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about Cope and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. Okay, यानी अब क्या होता है कि वो छाते वाला कहता है कि मैं, उस छाते वाले ने कहा कि हाँ ये मेरा है. आप जानते हैं कि गलत फहमियाँ कैसे हो जाती हैं. यदि यह तुम्हारा है तो मुझे बेहद खेद है. मुझे ये सुबह रेस्टोरेंट में मिला था. यदि तुम ये कहते तो यह तुम्हारा है तो यह तुम्हारा ही होगा. यह मेरा है, सोपी चिल्लाया. उसकी आवाज़ में गुस्सा था. छाता वाला आदमी तेज़ी से चला गया. पुलिस वाला भी एक स्त्री की रास्ता पार करने में मदद कर रहा था. सोपी पूर्व की तरफ चल दिया. उसने छाता इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर वह फेंक सकता था. वह पुलिस वाले के विषय में खुद से ही बात करने लगा और वह उनके बारे में सोचता रहा, क्योंकि वह गिरफ्तार नहीं होना चाहता था. उन्हें पूरा विश्वास था जैसे कि कोई राजा था जो कोई गलत काम नहीं कर सकता था. ओके, यानी पुलिस वाले अभी भी उसको अच्छा समझ रहा है. ठीक है, एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड और द सिटी. ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर. ही वॉज गोइंग होम, ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन ए पार्क. ओके, यानी बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग दैट हैड बीन his living room where he had spent many happy peaceful moments. Sweet music came to Soapy's ears
एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर। ओके, आखिरकार सोपी शहर की तरफ शांत गलियों में से एक गली में आ गया। यहाँ वह मुड़ा और दक्षिण में मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। वह घर जा रहा था, यद्यपि घर केवल पार्क की ही वह सीट थी। सोपी का घर कहाँ था? घर तो था ही नहीं, वो पार्क में जो सीट पड़ी हुई थी उसी को अपना घर समझ रहा था, सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। लेकिन एक बहुत शांत कोने पर सोपी रुक गया। यहाँ उसका बचपन का पुराना घर था। घर की एक खिड़की से हुआ हल्का प्रकाश देख सकता था। यह उसकी बैठक हुआ करती थी जहाँ उसने खुशी के बहुत सारे पल बिताए थे। सोपी के कानों में मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। ऐसा लगता था कि उसने उसे वहाँ रोक लिया हो। ओके, द मून वॉज एवर पीसफुल एंड ब्राइट, देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, ही कुड हियर बर्ड्स हाई एवर हिम एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। ओके, यानी ऊपर चंद्रमा बहुत शांत और चमकीला था। सोफी ने देखा कि चंद्रमा बहुत शांत और चमकीला निकला हुआ है। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, वह अपने ऊपर पक्षियों की आवाज़ सुन रहा है। यानी सोफी ने देखा कि आसमान में चंद्रमा निकला हुआ है जो कि बहुत शांत और चमकीला था, और कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। और सोफी ने देखा कि उसके ऊपर आसपास से पक्षी उड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। और कमरे से बाहर आते संगीत ने उसे वहीं रोक लिया, क्योंकि उससे वह काफ़ी लंबे समय से परिचित था। उन दिनों उसका जीवन माता पिता, फूलों, ऊंची आशाओं, मित्रों, स्वच्छ विचारों और स्वच्छ कपड़ों से परिपूर्ण था। यानी पहले सोफी की हालत अच्छी थी। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, his wrong desires, his dead hopes, the lost powers of his mind. Okay, वहाँ अचानक उसकी अंतरात्मा में आश्चर्यजनक बदलाव आया। उसने भयभीत होते हुए देखा कि वह कितना गिर चुका था। उसने अपने बेकार दिनों, अपनी गलत इच्छाओं, मृत आशाओं और खोई हुई मन की शक्ति को देखा, अर्थात अत्यधिक पश्चाताप किया। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हर्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज साउल। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। यानी अगले ही पल उसके हृदय ने भी इस बदलाव को आत्मा में उतारा। ओके, जब वह अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करेगा, वह अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालेगा, वह अपने आप को एक बार फिर से अच्छा इंसान बनाएगा। ओके, यानी सोपी परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो गया था, लेकिन वाकई में पहले वो बहुत अच्छा इंसान था। प्लीज़ टर्न ओवर। देयर वॉज ए टाइम ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ। ओके, एंड फॉलो इट, दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, टुमोरो ही वुड फाइंड वर्क, अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, ही वुड फाइंड दैट मैन टुमोरो, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कोप। यानी देखिए स्टूडेंट्स, दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, यानी अब इसके बारे में, इसमें सोपी में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है इसमें। अभी समय ऐसा था कि वह काफ़ी यंग था, वह अपने जीवन के पुराने उद्देश्य को जानकर उसको पाने का प्रयत्न करने लगा। उस मधुर संगीत ने उसे बदल दिया, यानी जो मधुर संगीत उसने सुना इससे वह एकदम आत्मा में और मन में परिवर्तन आ गया। कल उसे काम मिल जाएगा। वह आदमी ने, एक आदमी ने एक बार उसे नौकरी की पेशकश की थी, कल वह उस आदमी से कहेगा और अपने लिए काम ढूंढेगा।
वह संसार में अपनी पहचान बनाएगा, वह अवश्य कुछ बनकर दिखाएगा। सोफी ने अपनी बाजू पर किसी के हाथ को महसूस किया। उसने जल्दी से मुड़कर एक पुलिस वाले के बड़े चेहरे को देखा। अब देखिए पुलिस वाला क्या कह रहा है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप। नथिंग, सेड सोफी। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ। सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद ए न्यू आर कॉप। ओके, कम अलोंग, सेड द कॉप। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। तुम यहाँ संदिग्ध अवस्था में क्यों घूम रहे हो, पुलिस वाले ने पूछा। कुछ नहीं, सोफी ने कहा। तुम सोचते हो मैं इस पर विश्वास करता हूँ, पुलिस वाले ने कहा। सोफी ने पूरी हिम्मत के साथ तर्क देना शुरू कर दिया। और किसी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से जवाब तलब करना बुद्धिमत्ता नहीं है। मेरे साथ आओ, पुलिस वाले ने कहा। ब्लैकवेल द्वीप पर 3 माह की कैद, अगली सुबह न्यायाधीश ने सोफी से कहा। ओके, यानी सोफी जो है पहले जेल में जाना चाहता था, तो कोई पुलिस वाला उसको नहीं देख रहा था, ना ही पकड़ रहा था। अब लास्ट में जब उसने मन में अच्छा बनने का विचार ले लिया, तो उसको पुलिस वाले ने पनिशमेंट दे दिया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। दैट्स इट।